आम आखपाखरे एपरी अनेक गछ अछि जहार भल गुण सब कहिले सरिबनि। आमे से सबकु अणदेखा करिथाउ आउ खोजि थाउ रोगर औषध। हेले एही सब गछ औषधर भंडार होइथाय। सेहीपरी गोटिए गछ होउछि अरख। तबे अरख गछ रास्ता कड़ आड़ पड़ियारे भितरे कोनसे स्थानरे उठिथाय। एही गछ औषधीय गुणरे भरपूर होइथाय। यार क्षीर पत्र मूल प्रत्येक अंशरे रहिछि औषधीय गुण। अरखर व्यवहार द्वारा शरीर अनेक रोग दूर होइथाय। विभिन्न प्रकार यंत्रणार मुक्ति मिलिथाय। यह मुंडविंधा कान और पाद यंत्रणा एवं अर्श भली समस्या ठारु बहुत शीघ्र आराम देइथाय। आपणकर जदि सही भली किछि समस्या देखा देइथाय तेबे अरख को व्यवहार कले यह सुस्थ रखिबारे सहाय्य करिथाय। आयुर्वेद डॉक्टर अनुसार अरख गछ को मदरा कहा जाए। आपण माने जानिथिबे एही गछ को आपण को लगैबा को पड़िबो नाही कारण अरख गछ जे कोनोसी स्थान रे उठि थाए। एहा दुई प्रकार रो धळा एवं कळा बा श्वेत एवं कृष्ण अरख। श्वेत अरख धळा फूल एवं कृष्ण अरख बाईगणी फूल रंग फुटि थाए। जहार फूल पत्र एवं चेर विभिन्न रोग को भल करिबारे व्यवहार करा जाए। यह मुंडविंधा एवं कान जंत्रणारु शीघ्र उपशम करिबारे सहायक होइथाए। एही गछ पेट संबंधी समस्या मध्य भल करिबारे सहाय्य करिथाए। तेबे व्यवहार समय रे डॉक्टर द्वारा दिया जाउथिबा परामर्श को सतर्कता सह अवलंबन करिबाकु हेबो जहा फळरे आगो कोनोसी प्रकार समस्या हेबो नाही। अरख गछ औषधीय गुणरे भरपूर। आयुर्वेद डॉक्टर परामर्श अनुसार अरख गछ पत्र फूल एवं चेर अत्यंत प्रभावशाली। एथिरे एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीसेप्टिक एंटीफंगल भली अनेक उपादान रही थाए। यहार पत्र को तेल सहित मिसाई व्यवहार करने द्वारा शरीर फुला कम करा जाई पारिबो। तेबे अरख फूल मध्य रोगर उपशम करिबारे व्यवहार होइथाए। यहार चेर अर्स कलकंटक भली गुरुतर रोग को भल करिबारे सहाय्य करे। जदि आपणकर कुंडेई हेबा भली समस्या अछि तेबे अरख गछर चेर को पोड़ी तार पाउंश को सोरिष तेल रे मिसाई शरीर रे मालिश करंतु। एहा व्यतीत जदि शरीर रे कोनोसी अंगरे काच किंबा कंटा पसी जाए तेबे एही गछर खीर को क्षेत्र स्थान रे पकांतु। आपे आपे कंटा बाहरी जिवो। सेही भली जदि आपणकर काश भल हेउ नाही तेबे यार चेर को गुंड करी सेथिरे किछि गोलमर्च गुंड मिसाई छोटो छोटो गोल करी सखाळे एवं संध्यारे खांतु। काश कष्टरु तुरंत मुक्ति मिलिबो। जदि आपणकर नख इन्फेक्शन भली समस्या अछि तेबे अरखपत्र चेर को घोरी नखरे लगांतु। समस्यारु शीघ्र आराम मिलिबो। एहा व्यतीत माइग्रेशन एवं मुंडविंधा एवं कान जंत्रणारु उपशम देइथाय अरख फूल। यार क्षीर को मुंडरे लगाइबा द्वारा माइग्रेशन समस्यारु मुक्ति मिलिथाए। सेहिपरि अरख पत्र रस कान रे पकाइबा द्वारा कान संबंधी समस्त रोग दूर होइथाए। अरख क्षीर रे तुला बुड़ाई एहाकु घी रे भल भाव मिश्रण करनियंतु। एबे एहाकु दांतर माढ़ी रे लगांतु। एहाद्वारा दांत एवं माढ़ी जंत्रणा संगे संग दूर हेब। एहा व्यतीत अरख क्षीर रे लुण मिसाई दांतरे लगाइबा द्वारा दांत जंत्रणा मध्य दूर होई पारिबो। हलुथिबा दांत को अरख क्षीर लगाई सहजरे बाहर करा जाई पारिबो। एथिरे जंत्रणा मध्य हेबो नाही। आहुरी मध्य जदि आपनक पाद ओ आंठुरे जंत्रणा होइथाय किंबा बथा रहिथाय तेबे अरख पत्र रे गुआ खिया मारी ताकु सामान्य गरम करी पाद एवं आंठुरे बांधि दियंतु। देखिबे दुई दिन मध्य उपशम मिलिबो। एहा बहु परीक्षित। तेबे अरखर प्रत्येक अंश को व्यवहार करिबा पूर्वरु निश्चय भावे डॉक्टर को परामर्श नेबा जरूरी। एही भली स्वास्थ्य संबंधी खबर विषय जानिबा लागि आम चैनल के न्यूज ओडिशा सहित जोड़ी होई रहंतु।